उत्तर प्रदेश के मऊ में सपा प्रवक्ता राजीव राय के नेतृत्व में किसान बुनकरों और युवा व्यापारियों की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। पार्टी ने धरना प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। झारखंड के धनबाद के डीएसपी के नेतृत्व में एक बार फिर से नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया गया और सड़क किनारे गाड़ी पार्क करने से लगने वाले जाम को लेकर भी वाहन चालकों को कड़ी हिदायत दी गई। डीएसपी का कहना है कि जब तक पुलिस प्रशासन कामयाब नहीं होती, यह अभियान जारी रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में दो बहनों ने टीबी की बीमारी के कारण अस्पताल में दम तोड़ दिया। बता दें कि इससे पहले भी टीबी जैसी बीमारी से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। 15 साल से इस गांव में क्षय रोग सर्वे की टीम नहीं पहुंची है। यूपी के हापुड़ में एक घर में खाना बनाते वक्त गैस लीकेज होने से गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग बुझाने के लिए पहुंची महिलाएं भी आग में झुलस गईं और एक बच्चा भी आग में झुलस गया, जिनको उपचार के लिए नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रहा सर्दी का सितम, वहीं हरियाणा के अहरीवाल में घने कोहरे की चादर देखने को मिली। वहीं रेवाड़ी में भी कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता दिखा। यूपी के मुरादाबाद में एक स्कूल में बारहसिंगा घुस जाने से हड़कंप मच गया। बारहसिंगा को देखने स्कूल में लोगों की भीड़ आ गई। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बारहसिंगा को पकड़कर स्थानीय डियर पार्क में भेज दिया गया। पंजाब के मोगा में 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो बूंद पिलाया गया। मोगा के MLA डॉक्टर हरजोत कमल की अगुवाई में यह अभियान चलाया गया। मोगा जिले में करीब 513 टीमें लगातार पोलियो की दवाई दे रही हैं। झारखंड में पथ निर्माण विभाग रांची द्वारा डुमरी से लेकर रंगामाटी रेलवे घर तक पुनर्निर्माण हो रहे सड़क और पुल पुलियों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जांच के लिए सड़क को जगह जगह JCB से खोदकर मटेरियल्स के सैंपल लिए गए।